हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन स्टडी एंड हेयर आई एम ध्रुव शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का टॉपिक हाईवे अलाइनमेंट एंड लोकेशंस सो हाईवे अलाइनमेंट एंड लोकेशंस में हम कवर करेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल अलाइनमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग हाईवे अलाइनमेंट सो फर्स्टली वट इज़ अलाइनमेंट सो अलाइनमेंट इज़ सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे दिस इज हाईवे ये एक रोड है और जो सेंटर लाइन होगी जो मेनली वाइट शेड जिसे दी होती है डेट इज कॉल्ड अलाइनमेंट जो कि बिल्कुल इन बिटमिन रोड की बिल्कुल इन बिटमिन वो हमने कंस्ट्रक्ट की होती है डेट इज कॉल्ड अलाइनमेंट अगर हमें रोड की विथ मेजर करनी हो तो हम किस वे से रोड की विथ मेजर करते हैं सो तो हम क्या करते हैं कि अलाइनमेंट की वन साइड चाहे वो ए वाली साइड हो चाहे वो सेकंड साइड हो वन साइड से हम उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे बाई चेन या टेप जैसे पोज ये है थ्री मीटर तो इसका हम ट्वाइस कर देंगे डेट इज़ सिक्स मीटर सो हमें पता चले गया कि इस हाईवे इस रोड की जो विथ है वो है सिक्स मीटर सो सिंपल वे में अगर पूछेंगे वट इज़ अलाइनमेंट तो उसका डेफिनेशन है इन सिंपल वे में द सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे इज़ कॉल्ड अलाइनमेंट अब जब कभी भी रोड की कंस्ट्रक्शन होती है हाईवे की कंस्ट्रक्शन होती है तो सबसे पहले जो अलाइनमेंट है सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे है उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसे रखा जाता है उसके अकॉर्डिंग ही फिर रोड को जो है ब्रॉड किया जाता है सबसे पहले जो है आपके पास अलाइनमेंट प्रोवाइड की जाती है उसके अकॉर्डिंग ही रोड जो है कंस्ट्रक्ट होता है रोड ब्रॉड होता है सेकेंड थिंग जो इसमें है वो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आइडियल अलाइनमेंट सो इसमें क्या है कि रोड जो है आपका शॉर्ट होना चाहिए इजी होना चाहिए इकोनॉमिकल होना चाहिए और वो सेफ होना चाहिए शॉर्ट इन द सेंस ऑफ जब आप रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या फिर हाईवे बन रहा है तो हमें चाहिए कि वो कम से कम डिस्टेंस कवर करे अगर वो कम से कम डिस्टेंस कवर करता है तो आपका क्या होगा वो इकोनॉमिकल होगा उसमें कम बजट में आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और वो इकोनॉमिकल भी होगा सो so, अगर हम ये वाला पास से अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे ज़्यादा मटीरियल लगेगा सो so, हमें कैसा चाहिए हमें चाहिए हमारा पाथ हो इस वे में ये पास वन है और ये पाथ टू है तो डिस्टेंस कवर है जो कवर हो रहा है रोड का वो लेस है सो ये क्या है आपके पास शॉर्ट है तो आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो शॉर्ट होनी चाहिए यानी कि जो हाईवे की कंस्ट्रक्शन है वो आपकी शॉर्ट होनी चाहिए और ईजी यानी कि जो ईजी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए आपकी उसमें ज़्यादा जिग जैक मैनर में वो कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए इकोनॉमिकल में मतलब जैसे कि आप जब रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो नियर बाय उसके जो रॉ मटेरियल उसमें यूज़ होगा वो नियर बाय मिल जाना चाहिए ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज हैं वो हमें नहीं देने पड़े और सेफ़ यानी कि जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो अच्छी क्वालिटी का हो अच्छे मटेरियल का हो और सेफली वो पूरी कंस्ट्रक्शन कवर हो जाए सो हमारा यही मेन मोटिव रहेगा एंड वन मोर थिंग जैसे आप रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो हम तो बोल रहे हैं कि हमारे पास जो है रोड का डिस्टेंस वो कम से कम डिस्टेंस हमारा रोड कवर हो जाए लेकिन अगर आपके नियर बाय कोई विलेज आ रही है या कोई टाउन आ रहा है तो हमें चाहिए कि वो रोड उस टाउन उस विलेज को छूते हुए आगे को निकले सो कई बार हमें क्या होता है कि इस वे में भी हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है लेकिन वो कंडीशन है तब जब आपके पास कहीं पे कोई विलेज आ रही है कोई ऑफिस या फिर कोई स्कूल आ रहा है तो वो कंस्ट्रक्शन वहाँ पर आपको करनी पड़ती है अदरवाइज़ हम के हमें चाहिए कि हमें कंस्ट्रक्शन शॉर्ट वे में हो जाए इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग हाईवे अलाइनमेंट्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हाईवे अलाइनमेंट अलाइनमेंट यानी कि जो मैंने आपको पहले भी बताया सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे डेट इज़ कॉल्ड अलाइनमेंट तो उसे क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं वो इसमें आपको बताई हुई हैं फर्स्ट वन इज़ एवेबिलिटी ऑफ द रोड्स बिल्डिंग एंड मटीरियल सो जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें आएगा जैसे कि अबेलिबिलिटी ऑफ द रोड बिल्डिंग और मटीरियल्स बिफोर एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग मटीरियल आर चैकड फर्स्टली जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो रोड की सबसे पहले आप देखोगे कि उस रोड के नियर बाय जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चली हुई है वहाँ पे मटीरियल नियर बाय मिल रहा है नहीं मिल रहा है अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के क्या अमाउंट क्या बजट बनेगा ऐसा नहीं कि आप ट्रांसपोर्टेशन में ही सारा पैसा यूज़ कर दो सो so, वो सब कुछ हमें पहले देखना पड़ता है अगर मटीरियल नहीं मिल रहा है नीयर बाय तो हम आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को भी इंक्लूड करना पड़ता है बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवे कंस्ट्रक्शन सो दिस ऑल आर कंसिडर्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ़ द हाईवे सेकेंड वन इज़ क्रॉसिंग्स सो अवर कंस्ट्रक्टेड रोड शुड पास मिनिमम bridges. मतलब जब आप रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो हमारा मेन मोटिव होगा कि वो कम से कम ब्रिजेस को जो है वो कवर करे क्योंकि जो ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन होती है वो और ज़्यादा कॉस्टली होती है और टफ होती है सो so, उसमें बजट भी ज़्यादा लगेगा और हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि हम जो है कम से कम हमारा रोड जो है ब्रिजिस को कवर करें तो ये फर्स्ट रूल है सेकेंड रूल में क्या आता है आपका कि अगर लेक कोई रिवर है रिवर के सामने कोई विलेज है या टाउन है या फिर कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जो कॉमनली जाते हैं या यूज़ करते हैं सो so अगर आपके रिवर के सेकंड वे में वहाँ पे कोई रोड अगर आपका निकल सकता है तो हम क्या करते हैं वहाँ पे ब्रिजेस को अप्लाई करते हैं तो ये सेकंड रूल में आता है कि अगर आपके लेक के सामने कोई विलेजेस है तो हमें वहाँ पे ब्रिज बनाना कंपलसरी हो जाता है तो ये सेकेंड रूल में आता है फर्स्ट रूल में आपका यही आएगा कि जब आप रोड की कंस्ट्रक्शन करते हो तो आपका मेन मोटिव रहेगा कि वो कम से कम ब्रिजेस को क्रॉस करें थर्ड वन इज़ जियोलॉजिकल फीचर्स इन टाइम्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इट इज़ नेसेसरी टू चेक द रेनिंग एनवायरमेंट दैट इज़ क्लाइमेट फॉक सिचुएशन सॉइल टाइप्स मीन जब भी आप रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसमें आपको सबसे पहले देखना है कि वहाँ की रोड कंडीशंस सॉरी क्लाइमेट कंडीशन क्या है वहाँ की सॉयल टाइप क्या है सो so, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मटेरियल अप्लाई करना पड़ता है सपोज जहाँ पे आप रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसके नियर बाय कोई फैक्ट्री है सो so, फैक्ट्री से आने वाला गंदा पानी जो वेस्ट वाटर होगा अगर वो आपके रोड पे आता है तो वो आपके रोड को हार्मफुल वो इफ़ेक्ट करेगा सो so, आपको जो है उसके अकॉर्डिंग ही मटेरियल को अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है रोड कंस्ट्रक्शन से पहले आपको पूरा सर्वे करना होता है कि वहाँ पे स्वाल टाइप क्या है अगर वहाँ पे ज़्यादा रेनिंग होती है तो वो हमारे मटेरियल को हार्म करेगी या नहीं करेगी वहाँ पे कोई साथ में फैक्ट्री है तो उससे आने वाला पॉल्यूटेड पॉल्यूशन जो है या वेस्ट वाटर है वो हमारे बिल्डिंग सॉरी uh, हमारे कंस्ट्रक्शन को खराब करेगा नहीं करेगा और कितना करेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ मटेरियल डिसाइड करना पड़ता है सो so, ये भी अफेक्ट करता है जियोलॉजिकल फीचर्स में ये आएगा नेक्स्ट वन इज़ लैंड एक्यूजिशन वर्ड जो है वो लिया गया है एक्योअर वर्ड से एक्योअर का मतलब होता है कोई चीज़ को कलेक्ट करना या फिर कोई चीज़ को लेना जब भी आप रोड कंस्ट्रक्शन करते हो तो आपको चाहिए कि आप जब उसमें कटिंग कर रहे हो रोड की कटिंग कर रहे हो तो आप मैक्सिमम एरिया कट करो और मैक्सिमम एरिया कवर करो ताकि फ्यूचर में जब कभी भी आपको रोड को अगर ब्रॉड करने की ज़रूरत पड़े तो आपको वहाँ पे कुछ भी बिल्डिंग्स जो नियर बाय फीचर्स में बनेंगी तो उसको तोड़ना ना पड़े उसको ब्रेक ना करना पड़े तो इससे पहले आप क्या करते हो एक्विजिशंस में मतलब किसी भी एरियाज को नियर बाय एरिया को पहले से ही कट करके उसको कवर कर लेते हो ताकि फ्यूचर्स में रोड को बनाया जाए नेक्स्ट वन इज ईजी ग्रेड एंड कवर ईजी ग्रेड्स एंड कवर ग्रेड का मतलब होता है स्लोप या फिर हिंदी में कहें तो चढ़ाई जब आप रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो हमें चाहिए कि जो हमारा ग्रेड है वो ना ज़्यादा ज़्यादा हो और ना ज़्यादा कम हो इन विटमिन आपका ग्रेड रहे मतलब ये आपका ग्रेड है जैसे कि ये आपका लैंड है और ये आपका चढ़ाई यानी कि ये स्लोप है आपकी सो इसकी हाइट ना ज़्यादा हो या ज़्यादा कम हो यानी कि ज़्यादा चढ़ाई पे भी ना हो या फिर बहुत ज़्यादा बिना डाउन में हो सो इन बिटवीन आपका ग्रेड साइज़ होना चाहिए दूसरा ये कि जो आपका कवर है कवर यानी कि जब आपका रोड है रोड में जब आपके पास कवर आ रहा है वहाँ पे जब कर्व आ रहा है दिस इज़ द कर्व तो इसका साइज़ जो है वो क्या हो मैक्सिमम हो इस कर्व का साइज़ ताकि वहाँ पे क्या होगा क्योंकि ये जो आपका हाईवे होगा इसमें स्मॉल व्हीकल्स और लार्ज व्हीकल्स दोनों मूव होंगे सो so, इज़िली उसमें मूवमेंट हो उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए अगर आपका जो ये कर्व है इसका आप स्मॉल साइज़ देते हो तो क्या होगा एक्सीडेंट के जो है चांसेस ज़्यादा रहते हैं तो आपका जो कर्व है वो आपके पास मैक्सिमम एरिया को कवर करे और उसका कर जो लेवलिंग है वो भी ज़्यादा हो सो तो इसलिए आपका मेन मोटिव यही रहेगा नेक्स्ट इज ऑब्लीगेटरी पॉइंट ओब्लीगेटरी पॉइंट्स आर दोज पॉइंट और दोज पोर्शंस ऑफ रोड ऑन विच रोड्स आर कवर विलेजिज टाउन्स एक्सेट्रा मतलब रोड की वो साइड जहाँ पे आपके पास विलेजेस हैं टाउन्स हैं सो so, जब आप रोड कंस्ट्रक्शन करते हो तो हमें चाहिए कि आपका जो रोड है यानी कि जो एन है वो उन विलेजेस उन टाउन्स को भी कवर करे सो स्पेशली एन वहीं पे बनाए जाते हैं ताकि वो टाउन्स विलेजेस को कवर करे और नॉन ऑब्लिकेटरी ये है ओब्लिकेटरी पॉइंट एक होता है नॉन ऑब्लिकेटरी पॉइंट्स उसमें क्या आता है कि उसमें जो है आपका रोड वो उसमें कंपल्स नहीं होता है कि आपका रोड जो है आपके स्कूल या फिर कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स को कवर करे सो so, इसका मेन मोटिव यही होता है एवलीकेटिव पॉइंट का कि वो किसी विलेज को टाउन्स को कवर करे नॉट एट ऑल फिर है प्रॉपर ड्रेनेज जब आप रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपने एक वर्ड देखा होगा कैम्बर जब आप रोड कंस्ट्रक्शन करते हो तो बीच में उसकी हाइट उसका जो ग्रेड है वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू साइड में तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है रोड के बीच में दिस इज़ कॉल्ड कैम्बर ताकि जो है आपकी जो ड्रेनेज है जो आपका रेन वाटर आ रहा है वो प्रॉपरली ड्रेन आउट हो जाए साइड में वो पानी बीच में ठहरे ना सो so, अगर आपका प्रॉपर्ली कैम्बर नहीं बना है तो पानी अगर बीच में रुकेगा तो वो एक क्यूब सा आपका एक uh, रेडी कर देगा और उसमें जो है पानी बार बार गिरता हुआ वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा आपकी कंस्ट्रक्शन को सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेटर कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट वन इज़ ट्रैफिक चेक द ट्रैफिक ऑन द रोड इन विच टाइप ऑफ व्हीकल्स आर पास टाइप ऑफ व्हीकल्स सो अकॉर्डिंग टू इट कंस्ट्रक्ट द रोड सो ये भी आपको देखना है कि जो आप रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ऐसा नहीं कि आपने वहाँ पे सिंगल वे बना दिया है लेकिन वो रोड में जो है बड़े बड़े व्हीकल्स जाते हैं और मोर ट्रैफिक वहाँ पे है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही वो रोड को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है तो आपको देखना होता है कि वो एन बनेगा एस बनेगा या फिर वो सिंपल रोड बनेगा लास्ट वन इज़ मिस क्लेनियस इसमें आता है इट इन्वॉल्व इन विच वे रोड आर कंस्ट्रक्टेड मतलब जो आप रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वहाँ पे आइलैंड बनाने की ज़रूरत है आइलैंड आपको पता होगा जो आपका रोड होता है रोड के बीच में जो है पार्टीशंस दिया होता है वहाँ पे जो है पेडिस्टन पैदल चलने वाले हैं वो अगर उन्होंने रोड भी क्रॉस करें तो वहाँ पे वो खड़े हो जाते हैं या स्टे ले लेते हैं वहाँ पे आपके पास प्लांट्स भी लगाए होते हैं आपने देखा होगा मेनली सो डैट इज़ कॉल्ड आइलैंड जो कि रोड के बीच में बनाया होता है तो आपको मिस में आएगा अदर चीज़ें कि वहाँ पे जो है आपके पास आइलैंड बनाने की जरूरत है या नहीं है वहाँ पे आपको जो ग्रेड है इसका भी ग्रेड होता है इसकी भी हाइट होती है आइलैंड की आपको हाइट कितनी देनी है और आपको अदर असेसरीज इसमें आती हैं सो दिस इज़ टॉपिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग दैट इज़ हाईवे अलाइनमेंट एंड लोकेशंस आई होप आपको सभी को समझाया होगा अगर आपको कुछ और डाउट हो या फिर कोई और टॉपिक पूछना हो सिविल इंजीनियरिंग का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हो थैंक यू सो मच